वेलकम टू माय चैनल सर। आज हम आ चुके हैं अलोक शंकरी जो कि प्रयागराज में है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी को घुमाते हैं इस मंदिर में, देखते कैसे मंदिर। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। फ्रेंड्स, आपको हम यह बता दें, अलोक शंकरी मंदिर देश के 51 शक्ति पीठों में से एक है और यह प्रयागराज में स्थित एक मंदिर है। आप सभी देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ज़्यादातर साउथ इंडियन लोग आए हुए हैं। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। चलिए फ्रेंड्स एंट्री करते हैं मंदिर के अंदर। अलोपी देवी मंदिर, माँ ललिता देवी मंदिर और माधेश्वरी नाम से प्रसिद्ध 51 शक्ति पीठों में से एक मंदिर है। माना जाता है कि जब शिव भगवान माता सती के मृत शरीर को लेकर इधर उधर भटक रहे थे, तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता जी के मृत शरीर के 51 टुकड़े कर दिए और 51 टुकड़े इधर उधर जहाँ जहाँ भी गिरे वो 51 शक्ति पीठ कहला। इन्हीं में से एक प्रयागराज में स्थित अलोपी देवी शंकरी मंदिर है जो कि इस वक्त आप सभी देख सकते हैं फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ है। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी भीड़ है और आज तो हमें ज़्यादातर हमारे साउथ इंडियन भाई मिले हुए हैं। यहाँ पर मुझे ज़्यादातर साउथ इंडियन भाई दिख रहे हैं। ऐसा नहीं कि प्रयागराज में और कोई नहीं, साउथ इंडियन भाई भी और काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ पर, मतलब साउथ से काफ़ी लोग आए हुए हैं। आप सभी देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है। आप सभी फ्रेंड्स भगवान और माता के दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आप सभी देख सकते हैं सामने, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर काफ़ी शांत वातावरण है, भीड़ तो इतनी ज़्यादा है लेकिन फिर भी वातावरण बहुत अच्छा है इधर का। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया। आप सभी फ्रेंड्स बजरंग बली भगवान के भी दर्शन कर सकते हैं। देखिए काफ़ी बढ़िया है यहाँ पर। अब जब भी प्रयागराज में आइए तो एक बार इस मंदिर में ज़रूर आएँ। और आपको हम ये बता दें, यहाँ पर सोमवार और शुक्रवार को काफ़ी भीड़ लगती है। और फ्रेंड्स, ये इधर की मार्केट है, अगर आप दर्शन कर चुके हैं तो आप आइए, मार्केट में कुछ खरीद भी सकते हैं। जो अपनी फैमिली के साथ आए हैं उनके लिए देखिए यहाँ पर काफ़ी चीज़ें खरीदने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ। और ये फ्रेंड्स, ये है हवन कुंड, अगर आपको हवन कराना तो यहाँ पर आइए, आप हवन करा सकते हैं। लोगों का यहाँ तक कि यह मानना है कि यहाँ पर अगर किसी को फोड़िया फुंसिया ज़्यादा हुई होती है, यहाँ पर आते हैं वो जल पीते हैं तो उनकी फोड़िया फुंसिया ठीक हो जाती है। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप सभी को हम यह बता दें कि अगर आप प्रयागराज में कभी भी आएँ तो आपको यहाँ पर घूमने के लिए काफ़ी जगह दिखेंगी। सबसे पहले आप आइए अलोक शंकरी देवी मंदिर जो कि 51 शक्ति पीठों में से एक है। इसके साथ ही थोड़ी दूर के बाद यहाँ पर आपको संगम दिखाई देगा, ज़्यादा 2-3 किलोमीटर होगा। आप सभी देख सकते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ लगी हुई इस मंदिर के अंदर, काफ़ी यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और यहाँ पर साउथ इंडियन लोग काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं आज। आप सभी देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, जितने भी ये कैप लगाए हुए आपको दिख रहे हैं सब साउथ इंडियन लोग हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है फ्रेंड्स। इस मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ लग रखी है, देखिए फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। आप सभी कुछ देख सकते हैं, धूप बहुत ज़्यादा है, जैसे शुक्रवार है भीड़ बहुत ज़्यादा लगती है इस मंदिर में, सोमवार शुक्रवार को बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी घुमाते हैं और पूरा मंदिर देखते कैसा है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, क्या प्यारी तस्वीर यहाँ पर बनाई गई है। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी देख सकते हैं फ्रेंड्स, भीड़ तो बहुत ज़्यादा, गर्मी भी बहुत ज़्यादा लेकिन भीड़ थमने का नाम नहीं ले रही। ये होती है भक्ति। देख सकते हैं फ्रेंड्स, गर्मी इतनी पर भीड़ बहुत ज़्यादा है, काफ़ी लोग आए हुए हैं। कौन कहता है कि गर्मी में बाहर नहीं निकलते लोग। यहाँ देख सकते हैं आप मंदिर के अंदर काफ़ी लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो भाई, हमें ये मंदिर काफ़ी अच्छा लगा घूम कर, आप सभी को कैसा मंदिर लगा एक बार कमेंट जरूर बताएं। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी वीडियो कहीं समाप्त करते हैं, आपको कैसा लगा मंदिर जरूर बताएं। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स।